देवाचा जेव्हा आशीर्वाद असते, देवाचा जेव्हा आशीर्वाद असते तर याच पद्धतीने देव आशीर्वाद देत असते। हनुमान चालीसाचं पठन केला आणि ते केल्यानंतर मी घरातून बाहेर पडली, आईनी डोक्यावर अक्षमाल लावून शुभेच्छा दिल्या, आशीर्वाद दिलं आणि आता मी मतदानासाठी प्रोसीड करणार आहे। पण सकाळपासून जे लोकांचे फोन येत आहे, आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण केला, आम्ही मोदीजींचे सोबत मोदीजींना मतदान केला, तुम्हाला आशीर्वाद दिलं, या पद्धतीचे पॉझिटिव्हनेस सकाळपासून परत सुरू झालेली आहे। तर मला असं वाटतंय की ब्लेस्ड आहे आणि माझी अमरावतीची जनता एक सूनला आणि ज्या पद्धतीने एक कार्यकर्ता म्हणून मी 5 वर्ष काम केला त्याच्या सोबत ते नक्की मला आशीर्वाद देतील। आमच्या मैदान आमचे देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच मैदान जिंकतील, कारण हा मतदान आमचे देशाकरिता आहे, मोदीजींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करीता आहे आणि देशाचे हिताकरिता आहे, तर मैदान तर मोदीजीच जिंकतील त्याच्यामध्ये काही शंका नाही। आपने माँ का आशीर्वाद दिया, वोटिंग करने जा रही है, क्या पक्ष है, क्या उम्मीद है? मंगलसूत्र पे बहुत राजनीति हो रही है, पीएम मोदी ने हमला बोला, मंगलसूत्र बोले कि आप ही मंगलसूत्र पहनती है, लेकिन जो पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस लूटना चाहती है मंगलसूत्र। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, आज हमारे अमरावती में दूसरे चरण का मतदान है और उसके लिए सुबह मैंने हनुमान चालीसा का पठन किया, माँ का, बाबूजी का, घर के बड़े लोगों का, सबका आशीर्वाद ब्लेसिंग लिया। हमारे यहाँ पे रिचुअल जो संस्कार संस्कृति हमारे महाराष्ट्र में चलती है, आरती उतार कर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथ में दही शक्कर देकर फिर अच्छे कामों के लिए शुरुआत के लिए बाहर भेजा जाता है वो सब, और बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आज अभी मैं बाहर निकली हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी अमरावती की जनता, इनको ये पता है कि ये मतदान देश के प्रति मतदान है और वो 100% अपनी बहू को और एक छोटी सी कार्यकर्ता माजी सैनिक की बेटी को आने वाले समय में और आज मतदान देकर आशीर्वाद जरूर देंगे। कोई चुनौती लगती है आपको? बलवंत मानखेड़े मैदान में स्थानीय विधायक भी दरियापुर से बोल, लग रहा है आपको कि चुनौती इस बार पड़ेगी? मैं तो जितने भी उम्मीदवार है सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैदान है, सभी का अधिकार है मैदान में लड़ना और सभी लड़ रहे हैं तो उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं है। पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतदान है तो अमरावती कर ये जरूर जानती है कि विकास के लिए मोदी जी को हमको मतदान करना है और कमल चिन्ह पे मतदान करके अपने क्षेत्र का और विकास के हित में मतदान होना चाहिए। काफी आक्रामक हो रहे हैं, बच्चों को काफी आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई। हाँ, हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जिस तरीके से भी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितने भी उम्मीदवार है बहुत शुभेच्छा है। कैसा होता है एक परिवार एक क्षेत्र में रहने के बाद, सब हमारा परिवार होता है, पर हमारा देश हमको सबसे ज्यादा प्रिय है और देश के विकास के लिए, देश को तीसरे नंबर पे विश्व में लाने के लिए मोदी जी फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मेरी अमरावती कर जितने भी हैं उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया एक बहू के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो सभी के चेहरे पे खिलता हुआ कमल आप आंखों में पढ़ सकते हैं, मेरी अमरावती में आज वो चित्र है। तर पंतप्रधान